भाई देखो कैसे अंदर आने की मांग रहा है परमिशन, रोक दिया है बहनों ने कहकर सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। ये द्वार उकाई की रस्म है, उसमें से भी एक सवाल आना होगा और आपका एक सवाल हो चुका है, क्योंकि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। आसा तो फाइनली वो मोमेंट आ गया था जिसमें गाथा उर्फ कथा ने युवराज को देख लिया है। तो वो एक नई शुरुआत करने जा रही थी कबीर के साथ, लेकिन ऑब्वियसली वो इतनी खुश थी पहली बार, लेकिन उसने जैसे देखा कि मेरा देवर ही मेरा गुनहगार है, तो एवरीथिंग इज़ जस्ट टर्न 360 डिग्री। और गृह प्रवेश जो इतना ब्यूटीफुल सेरेमनी है, वो उसके लिए एकदम इट्स लाइक मैं कैसे करूँ ये, वो उसके लिए एकदम टफेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ है टू एंटर द हाउस। तो वो सीन चल रहा है। प्लीज वॉच मुस्कुराने की वजह तुम हो, एंड थैंक यू कि हमारी रेटिंग्स आप लोगों से बढ़ गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग द शो, प्लीज कीप लविंग इट, एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग इन आवर पावर टू मेक द बेस्ट शो पॉसिबल। थैंक यू। ठीक है, आप दोनों को तो आरती की थाली लेकर स्वागत करना चाहिए, और आप तो ये नो एंट्री का बोर्ड लेकर खड़ी हैं। द्वार उकाई की रस्म के बारे में सुना है कभी? अरे जब तक नई बेटी गृह प्रवेश से पहले अपने नंदों के सवालों के जवाब नहीं दे देती, तब तक उसे घर में एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब रैगिंग किए बिना आप गाथा को घर में नहीं आए? भाई देखो कैसे अंदर आने की मांग रहा है परमिशन, रोक दिया है बहनों ने कहकर सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। इसलिए इस बात से तो मुझे इमोशनल कर दिया है मासा। अब तो मुझे कबीर की फेवरेट प्लेट साथी बनाकर खिलानी ही पड़ेगी, दिखानी ही पड़ेगी इसे। तो बताओ गाथा, ये शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों की गई? ये द्वार उकाई की रस्म है, उसमें से भी एक सवाल आना होगा और आपका एक सवाल हो चुका है, क्योंकि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा।